हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में और आगे चलकर स्पाइडरमैन की मूवीज किस तरह से मूव करेगी उसके बारे में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉम हॉलैंड ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कन्फर्म किया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम होमकमिंग ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी होने वाली है। वैसे यार ट्रिलॉजी का मतलब भी यही होता है। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि उन्हें जेंडेया और जेकब जो कि एमजे और नेट के कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं उनके साथ काम में बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि होमकमिंग ट्रिलॉजी का अंत हुआ है, स्पाइडरमैन का नहीं। और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद एक नए तरीके से एक नई ट्रिलॉजी होपफुली सामने आएगी जो कि पिछली सारी मूवीज से काफी डिफरेंट होगी, जिसमें अपना वेनम भी होगा और शायद टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन भी होंगे जो शायद एक स्पाइडरवर्स की ट्रिलॉजी पे एक साथ काम करेंगे। जैसे कि नो वे होम के बाद ऐसा हो सकता है कि तीनों स्पाइडरमैन की एक एक सेपरेट मूवी बनाई जाए जिसमें से एक तो लगभग कंफर्म है जो कि होगा वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर। फिर दूसरी मूवी हो सकती है टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 और तीसरी हो सकती है एंड्रू गारफील्ड की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। और इसी तरीके से अगली ट्रिलॉजी भी खत्म हो सकती है और उसके बाद एक और ट्रिलॉजी आ सकती है जिसमें हम भयंकर तरीके से स्पाइडरवर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें हमें और भी डिफरेंट यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को दिखाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो माइल्स मोरालेस और स्पाइडर ग्वेन को, और वो जो ट्रिलॉजी होगी उसे तुम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लेवल की मूवीज की तरह समझ सकते हो। अब यार मैं हवा में यूं ही ये सारी बातें नहीं कर रहा, टॉम हॉलैंड ने खुद ही ऐसा कहा है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन का फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। और कुछ बड़े बड़े वेबसाइट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड ने और 5-6 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी साइन कर लिया है, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें नो वे होम के रिलीज के बाद दी जाएगी। और यार मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आगे चलकर ये सब पक्का होने वाला है, क्योंकि यार चलो मान लो कि टोबी और एंड्रू नो वे होम में नहीं है और जो भी हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं वो सब सिर्फ र्यूमर्स हैं। अब यार ये सब सिर्फ मैंने मानने को कहा है, कमेंट में जाकर चिल्लाने मत लगना कि तूने ही तो होप्स जगाई थी। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मान लो कि टोबी और एंड्रू इस मूवी में नहीं है और जो भी स्पाइडरमैन के विलेंस हमें दिखाए जाएंगे इस मूवी में वो दूसरे यूनिवर्स के विलेंस नहीं बल्कि उनके वेरिएंट्स होंगे, और सिर्फ इस मूवी में एक ही स्पाइडरमैन होगा जो कि होगा टॉम हॉलैंड। लेकिन यार अगर ऐसा होता भी है तो ये जो पिछले एक साल से 3-3 स्पाइडरमैन वाली बातें इंटरनेट पर चल रही हैं, तो क्या सोनी और मार्वल का ध्यान इस पे नहीं जा रहा होगा? क्या एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैग्वायर का ध्यान इन सारे र्यूमर्स पे नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा ना। तो अगर नो वे होम में स्पाइडरवर्स होने वाली बात अगर झूठ भी है तो क्या सोनी अपने आने वाली मूवीज में टोबी और एंड्रू को घुसाने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार। कम से कम इन र्यूमर्स के वजह से सोनी वालों को ये बात तो पता लग गई कि लोग कितने ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखने के लिए। और यार मैं तो कहता हूँ कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड भी खुशी खुशी दोबारा से स्पाइडरमैन के रोल को जरूर निभाना चाहेंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन ही एक ऐसी मूवी है जो उनके करियर को दोबारा से बूस्ट कर सकती है। अब यार तुम लोग मुझे सच सच ये बात बताओ कि तुम में से कितनों ने एंड्रू और टोबी की कोई और पिक्चर देखी है? एक दो को छोड़कर और किसी ने नहीं देखी होगी। तो यार यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि टोबी और एंड्रू को भी अपना करियर बनाना है और सोनी को स्पाइडरवर्स दिखाकर पैसा कमाना है। तो इसलिए नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन हो ना हो, लेकिन आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में वो पक्का होंगे। लेकिन यार अब अगर कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए हैं ये सुनकर कि अरे यार नो वे होम में टोबी और एंड्रू नहीं होंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? तो यार मैं आप सबको बता दूं कि अल्फ्रेड मोलिना ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जहां से उनकी कहानी खत्म हुई थी वहीं से उनकी कहानी दोबारा शुरू होगी। तो इस स्टेटमेंट से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि हमें कोई ऑक्टेवियस का वेरिएंट नहीं बल्कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन 2 का डॉक्टर ऑक्टेवियस ही दिखने वाला है, और बाकी विलेंस भी पुराने मूवीज के ही ओरिजिनल विलेंस होने वाले हैं। और यार अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में पुराने विलेंस आ सकते हैं तो बाकी दो स्पाइडरमैन क्यों नहीं आ सकते? इसलिए टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन नो वे होम में पक्का 100% होने वाले हैं। तो यार तुम लोग बुद्धि देख रहे हो मेरी, स्पाइडरवर्स ना होने के चांसेस भी बता दिए, उसके बाद स्पाइडरवर्स को कंफर्म भी कर दिया, व्यूज भी ले लिए, पैसे भी छाप लिए। इसलिए बोलो फिल्मी जेडन की जय, कमेंट्स में लिख देना। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। 10K सब्सक्राइबर्स बस होने ही वाले हैं तो यार जल्दी से करवा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।